हेलो, मैं कल्पना सिंह, जीपीसी प्रतापगढ़ से। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग दो प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और कन्वेंशनल ग्राइंडिंग। कन्वेंशनल ग्राइंडिंग तो आप जानते होंगे, जिसमें एक ग्राइंडिंग व्हील जिस पर एब्रेसिव्स होते हैं उसकी हेल्प से मशीनिंग की जाती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिसमें फैराडेज लॉ का यूज़ करके हम मशीनिंग करते हैं। तो ये दो प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है। इसका इक्विपमेंट सेम होता है कन्वेंशनल ग्राइंडिंग की तरह, जहाँ पे हम टूल को कैथोड बनाते हैं और वर्कपीस को एनोड बनाते हैं। द इक्विपमेंट यूज्ड इज सिमिलर टू कन्वेंशनल ग्राइंडर एक्सेप्ट दैट द व्हील इज़ अ रोटेटिंग कैथोड एम्बेडेड विद एब्रेसिव्स। यहाँ पर जो व्हील होता है वो कैथोड का काम करता है, जिस पर एब्रेसिव्स होते हैं। व्हील पर जो एब्रेसिव्स हैं वो डायमंड के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हो सकते हैं, और व्हील 1200 टू 9000 मीटर पर मिनट से रोटेट करता है। यहाँ पे हम टूल और वर्कपीस के बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का फ्लो देते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में किया था। यहाँ पर जो मेजोरिटी जो मटेरियल रिमूव होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की हेल्प से। बाकी से 5% हमारा कन्वेंशनल ग्राइंडिंग से रिमूव होता है। इस प्रोसेस से हम बहुत ही हार्ड मटेरियल्स को ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे कि कार्बाइड और हाई स्ट्रेंथ अलॉयज। यहाँ पर जो एब्रेसिव्स हैं वो, उनके दो फंक्शन हैं, एक तो वो इंसुलेटर का काम करते हैं और दूसरा वो जो प्रोडक्ट रिमूव हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन से उसको रिमूव कर देते हैं टूल और वर्कपीस के बीच में से। तो अब हम इसका डायग्राम समझेंगे। टूल जो कि हमारा रोटेटिंग व्हील है, जिस पर हमने एब्रेसिव्स फिक्स किए हुए हैं आउटर एरिया पे, उसको हमने बनाया है कैथोड, मतलब कि नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया है। वर्कपीस हमने उसको पॉजिटिव बनाया है। हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, जहाँ से हम इलेक्ट्रोलाइट पंप करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोजल। ये ग्राइंडिंग व्हील जैसे जैसे रोटेट करेगा, वर्कपीस से ग्राइंडिंग होगी, जिसमें से 95% ग्राइंडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन की वजह से होगी एंड ओनली 5% ग्राइंडिंग कन्वेंशनल ग्राइंडिंग की वजह से होगी। इस प्रोसेस में टूल वियर बहुत कम होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो जो मेनली जो जो ग्राइंडिंग है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की वजह से हो रही है। थैंक यू।